स्टैंडर्ड 7 यूनिट 4 लेट्स ट्रैवल एक्टिविटी 3 ओपन पेज नंबर 27। हियर आर 4 पिक्चर्स, यहाँ पर 4 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट द प्लेस, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो आपको रीड करनी है, और उसके बाद में विच पिक्चर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, उसमें कौन से पिक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट द वेरावल पोर्ट। सोमनाथ टेम्पल है वो वेरावल बंदर है, उसके बाद उसके पास लोकेट है, वहाँ पर उसका लोकेशन है। प्रभास पाटन इन सौराष्ट्र, जो सौराष्ट्र में प्रभास पाटन है गुजरात में। सोमनाथ का मीनिंग होता है द प्रोटेक्टर ऑफ मून गॉड, यानी कि जो मून गॉड की रक्षा करता है। द टेम्पल शिखर द मेन एपायर इज 150 फीट इन हाइट, जो सोमनाथ टेम्पल का जो शिखर है, गुरु शिखर जिसे हम बोलते हैं, मेन जो ऊंचा शिखर जो है उसका, वो 150 फीट इन हाइट, उसकी हाइट है 150 फीट। इट हैज़ 27 फुट टॉल फ्लैग पोल्स, यानी कि जो स्तंभ जो होते हैं वो उसके 27 फुट उसकी ऊंचाई है। द सोमनाथ टेम्पल इज नोन एज द शिरीन इटर्नल, सोमनाथ टेम्पल है वो शिरीन इटर्नल यानी शाश्वत शांति के लिए भी जाना जाता है, उसका उसको शिरीन इटर्नल भी बोला जाता है। हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड मेनी टाइम्स बाय इस्लामिक किंग्स एंड रूलर्स, और उसको बहुत सारी बार इस्लामिक किंग्स और रूलर्स ने उसका नाश करने की बहुत सारी बार कोशिश भी की है। अभी यहाँ पे पिक नंबर आपको लिखना है कि कौन सा पिक है, वो सोमनाथ टेम्पल का है, ठीक है। उसके बाद में है आपकी वर्कबुक आपको निकालनी है, वर्कबुक का पेज नंबर आपको निकालना है 46, ओके। 46 नंबर का वर्कबुक का पेज निकालिए आप। एक्टिविटी 3 हमने जो अभी समझी है सोमनाथ टेम्पल के बारे में, उसके बारे में हम सॉल्व करते हैं एक्टिविटी 3 में। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, आपको पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है। फर्स्ट वन इज वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड, तो आएगा सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एट द वेरावल पोर्ट, प्रभास पाटन इन सौराष्ट्र। सेकंड वन, व्हाट डज द वर्ड सोमनाथ मीन, तो आएगा द वर्ड सोमनाथ मीन्स, डज लिखा हुआ है इसकी वजह से मीन्स के पीछे एस लग जाएगा। द सोमनाथ, द वर्ड सोमनाथ मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ द मून गॉड, इन्वर्टेड कोमास में लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड में, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाई इज द सोमनाथ टेम्पल नोन एज द सिरीन इटर्नल, तो आएगा कि हैविंग बीन द सोमनाथ टेम्पल इज नोन एज द सिरीन इटर्नल हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड मेनी टाइम्स बाय इस्लामिक किंग्स एंड रूलर्स, इसीलिए क्योंकि वो इतने सारे किंग्स है रूलर्स है उसको उसको नाश करने की कोशिश की, फिर भी वो टेम्पल आज भी है। Then select the most appropriate option and write its letter in the box provided against each question. First one is Somnath Temple is located at blank in Saurashtra. To aayega A, Prabhas Patan. Second one is Somnath means. To aayega C, the protector of the moon god. Third, the temple's स्पायर इज ब्लैंक फुट हाई, तो आएगा बी 150। फोर्थ,
The flagpole of the Somnath temple is blank foot tall. तो आएगा B 27. Fifth, the Somnath temple is known as Shirin. तो आएगा D eternal. Sixth one is blank tried to destroy the Somnath temple many times. A Islamic kings and rulers. Question 3. Put tick marks right in the box against the following statements if they are true and a cross mark if they are false. First one is, the other name of Veerawal is Prabhaspatan. To aayega right. Second, Veerawal port is in Kutch. To aayega wrong. Third, Somnath means protector of the sun god. तो आएगा wrong. Fourth, the temple spire is 150 foot high and its flagpole is 28 foot tall. Wrong. Fifth, the Somnath temple is known as the Shirin Eternal. Right. Sixth, Islamic kings and rulers destroyed the Somnath temple many times. Right. ओके तो आपको पूरा बॉल पेन से कर लेना है. टेक्स्ट बुक में से आप आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली.